चित्तौड़गढ़ में आयोजित किए गए जोहर श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि में मौजूद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ का इतिहास अनुकरणीय है। इस धरती का कण कण हमें प्रेरणा देता है। उन्होंने वीर वीरांगनाओं की याद में मनाए जाने वाले जोहर समारोह को लेकर आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारी परंपराएं अक्षुण्ण बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ी को इतिहास का ज्ञान हो पाएगा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश की सरकार आने वाले ऊर्जा संकट को लेकर गंभीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत कर कोयला आवंटन करवाया है, जिससे ऊर्जा का संकट दूर होगा और निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रहेगी। समारोह के दौरान पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी और राजसमंद की सांसद दिया कुमारी ने भी संबोधित किया। इस दौरान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, गोपाल इड़वा, मचलाना घाटी आश्रम प्रतापगढ़ के संत राम जी राम महाराज धर्मगुरु के रूप में कार्यक्रम में हुए। समारोह के दौरान प्रतिभाओं और मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। चैत्र शुक्ला एकादशी को मनाए जाने वाला जोहर मेला परंपरागत तरीके से आयोजित जोहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में सुबह महाराणा भोपाल छात्रावास में सुसज्जित ऊंट घोड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सम्मिलित हुए। जुलूस में सबसे आगे ऊंट घोड़े सुसज्जित होकर चल रहे थे तो पीछे बैंड की स्वर लहरियां मधुर धुनों से वीरांगनाओं की याद ताजा कर रही थी। इस दौरान भील समुदाय द्वारा भी पारंपरिक तरीके से मादल थाली बजाते हुए नृत्य किया गया। वहीं जुलूस के दौरान शतरानियां भी सम्मिलित हुई।